तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं भी अच्छा ही हूँ। तो आज हम करेंगे बुरुटो एपिसोड नंबर 22 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दो गाइस, और जो एड्स वीडियो के पहले आएगी उनको फुल देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पर एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको एक चैनल का नाम बता दें, जिसका नाम है मारीज एक्सप्लेन्स। वो भी एक नए नए एनिमेस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अभी उनकी चैनल पर एक नरुटो की मूवी आने वाली है, तो गाइस उनको जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वन पीस के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो ये वन पीस के एपिसोड्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप इनके चैनल जरूर विजिट करेगा। और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पर नरुटो सास्के और शारदा सोच रही होती है कि जो साकुरा है वो टेलीपोर्ट होके कहाँ गई है। और यहाँ पर अगले सीन में साकुरा अलग ही दिशा में आ जाती है, मतलब डायमेंशन अलग होता है, जहाँ पर ये जो शीन होता है बड़ा वाला वो पड़ा हुआ होता है और कहता है कि अब मुझे इस लड़के को मारना पड़ेगा, ये तो मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। इसीलिए वो उससे कहता है कि अब ये कुछ काम का नहीं है, जो बच्चे काम के नहीं होते वो सच में कुछ काम के नहीं होते, उन्हें तो जीना ही नहीं चाहिए। तो फिर बाद में साकुरा कहती है, नहीं ऐसा नहीं, ये तड़प जाएगा, ये मैं उनको बचा सकती हूँ, अब ये बहुत जख्मी है, मैं उसको कुछ भी करके बचा सकती हूँ। तो फिर वो शीन कहता है, नहीं अब इसे जीने की कोई अधिकार नहीं है। और फिर हम देखते गाइस, देखते ही देखते जो बड़ा वाला शीन होता है वो अपने हथियार से उसका पेट चीर देता है और आखिर में वो मर जाता है। तो साकुरा कहती है कि तुमने बहुत गलत किया ऐसा करके। और तभी हम देखते हैं कि वो जो छोटा शीन होता है वो मर जाता है। यहाँ पर शारदा का वही चल रहा होता है कि मेरी असली मॉम कौन है। और तभी चोचो कहती है, चिप्स खाओ और ठंडे हो जाओ। और फिर हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पर नरुटो कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। तो फिर सास्के कहता है कि जल्द से जल्द हमें जाना होगा उन लोगों के बारे में पता करने के लिए। नरुटो चलो हम जाते हैं। और फिर शारदा कहती है कि क्या मेरी मॉम का क्या होगा। तो फिर ये कहता है कि इमोशंस के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। तो तभी चोचो कहती है, चिप्स का पैकेट खाओ यार, फिर से ठंडे हो जाओ, ऐसा मत करो, झगड़े मत करते जाओ यार, तुम बाप बेटी हो। और अगला सीन, यहाँ पर साकुरा उससे बात करती है और कहती है कि तुम अपने बेटे की परवाह नहीं करते। तो ये कहता है, क्या मेरा बेटा नहीं, जो ताकतवर है वही अपना बेटा रखना चाहिए हमें, जैसे कि जो महान लोग होकर गए हैं अभी तक वो। और फिर जो शीन है वो अपना इलाज कर लेता है। अगला सीन, यहाँ पर नरुटो जो कैप्टन होते हैं उनके पास आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं, मुझे कैप्टन मत कहना प्लीज़। और फिर नरुटो कहता है कि नहीं, ये तो मतलब मुझे ऐसी आदत सी हो गई है। और फिर ये कहता है कि काकाशी ने मुझे यहाँ पर रुकने को कहा है, तुम आगे जाओ। और फिर शारदा कहती है, हम चले जाएंगे। और फिर हम देखते गाइस कि ओरोचिमारु के टावर में नरुटो और सास्के और उनकी बाकी टीम आ जाते हैं और वो अंदर जाते हैं। तभी दो लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं, वो वही होते हैं जो शारदा ने उनको फ़ोटो में देखा था। और फिर शारदा फिर से फ़ोटो देखती है और कहती है, ये तो वही दो लोग हैं जो मेरे पापा के साथ है फ़ोटो में। और फिर बाद हमने देखते हैं कि ये कहते हैं कि हे सास्के, कितने दिनों बाद आए हो तुम, हाँ। और फिर नरुटो कहता है, हे सास्के, ये तो तुम्हारे पार्टनर से ना। और फिर पीछे से आता है मेन कैरेक्टर जो कि होता है ओरोचिमारु, जिसने गाइज नरुटो की सीरीज़ में हंगामा मचा दिया था। तो चलो फिर ये कहता है कि सास्के बहुत दिनों बाद आए हो। और फिर सास्के कहता है, चलो काम की बात करते हैं। तो फिर ओरोचिमारु कहता है, क्या काम की बात, बताओ ना मुझे। और फिर गाइज हम देखते हैं कि ओरोचिमारु कहता है कि कुछ लफड़ा हुआ है क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं है अभी तक, मैं तो अच्छा बन गया हूँ, हाँ। और फिर जो सास्के होता है वो कहता है, मैं शिन उचिहा के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर ओरोचिमारु उससे कहता है, शिन उचिहा, हाँ वो तो बिल्कुल डांजो जैसा है, डांजो के हाथ पर जैसे कि बहुत सारे शारिंगन्स थे वैसे इसके शरीर पर भी बहुत सारे शारिंगन हैं। तो फिर नरुटो उससे पूछता है कि इसका आपसे क्या लेना देना। और फिर ये कहता है कि ये मेरे जैसे ही क्रिएशंस में से एक है, इसे बनाया गया है और ये खुद को उशिया इसलिए कहता है क्योंकि उसके हाथ पैर पर शारिंगन जो है। और फिर नरुटो कहता है, ऐसा क्या मतलब वो सच में उशिया नहीं है। तो ये कहता है, हाँ
और तभी गाइस हम देखते हैं शारदा इस लड़के से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे एक काम करना है। तो ये लड़का कहता है क्या, और फिर बाद में हम देखते हैं कि शारदा कहती है प्लीज़ चलो, और ये देखो ये फ़ोटो, क्या इन फ़ोटो में से ये लड़की तुमको पता है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और फिर वो कहता है कि वो कुछ मिशन के लिए गई है, और तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और शारदा उससे जो कहती है उससे इसकी हालत बहुत अजीब हो जाती है, और फिर ये कहता है क्या टेस्ट, और फिर शारदा कहती है हाँ मुझे मेरी असली मॉम जाननी है, देखो उस औरत का सैंपल और मेरे अंदर का सैंपल मिक्स होता है क्या नहीं और मैच होता है क्या नहीं। तब तो ये आदमी उसको टेस्ट करने लगता है, और हम देखते हैं कि दोनों के टेस्ट मैचिंग आते हैं, परफेक्ट मैच हो जाते हैं। और फिर ये कहता है कि हाँ वो औरत तुम्हारी असली माँ है, और फिर शारदा सोचने लगती है कि मतलब साकुरा मेरी असली मॉम नहीं है, फिर उसने ऐसा झूठा नाटक क्यों किया, और वो रोने लगती है। और पीछे से हम देखते हैं ये लड़का जाने लगता है, तभी उसको नारुतो दिखता है, और ये कहता है माफ़ कर देना नारुतो मुझे जानबूझ के नहीं किया। और फिर नारुतो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है बेवकूफ़, तुम हमेशा ऐसे ही बेवकूफ़ थे, हो और रहोगे, चल भाग यहाँ से। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो शारदा को देखता है, कहता है अबे भाग बोला था तो चल क्यों रहा है, चल भाग। और फिर गाइस यहाँ पर शारदा रोती रहती है, नारुतो उसको पीछे से कहता है कि बोलो शारदा क्या हुआ है, खुद को देखो ज़रा, तुम कैसी हो गई हो, मुझे पता है कि तुम्हें पता हो गया कि अब तुम्हारी असली मॉम कौन है और फेक मॉम कौन है, तुम्हें लग रहा होगा पर उनके इमोशंस असली थे। और फिर शारदा उससे कहती है तुम क्या जानते हो इमोशंस के बारे में और अपने लोगों के बारे में, बताओ बताओ जल्दी। तो फिर नारुतो अपने पिछले यादें ताज़ा कर लेता है, और फिर उस शारदा को कहता है शारदा ज़रा सा रुको, तुम्हें लगता है ना कि साकुरा तुम्हारी फेक मॉम है तो लगने दो, पर एक बात तुम्हें बता दूँ कि उनका सब फेक था, होगा भी, पर उनका जो प्यार था तुम्हारे लिए वो सही था, उन्होंने तुम्हारी कितनी केयर की है जब तुम छोटी थी, जब तुम्हें कुछ लग जाता था, सोचो शारदा याद करो वो दिन। और फिर शारदा गाइस इमोशंस में बह जाती है। और फिर गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के और चोचो यहाँ पर वेट करते रहते हैं, तभी नारुतो कहता है हे सास्के तुमने क्या किया, मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, हाँ बोलो बोलो साकुरा के बारे में मुझे बताओ जल्दी, समझ भी नहीं आता क्या तुम्हें। और फिर गाइस तभी वो बात करते रहे सास्के से, और वो लड़का पीछे से भागते रहता है, और देखो गाइस, और यहाँ पर नारुतो कहता है कि अब हमें साकुरा को बचाना होगा, तभी ओरोचिमारू कहता है हाँ जल्दी जाओ तुम्हें उससे बचाना होगा। तो फिर सास्के कहता है कि अब मैं मेरे सुसानो को यहाँ पर ला सकता हूँ जिससे कि हम चले जाएंगे, तो तभी वो अपना सुसानो बाहर निकाल लेता है, और तभी यहाँ पर ओरोचिमारू कहता है ए वाह कितना मस्त है। और फिर चोचो भी कहती है अरे बाप रे ये कौन सी बला है क्या ये, इस सुसानो से वो साकुरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगले सीन में शिन उठता है और कहता है साकुरा से कि अब मैं उठ गया हूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, और हमारे जो अकाट्सुकी है उसको वापस से रिवाइव करूंगा, और जो मेरे मास्टर है इटाची उनका सपना भी मैं पूरा करूंगा जो उन्होंने देखा था। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में।